नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोहित कुमार। 1 दिसंबर से लेकर के 1 मार्च के बीच में 26 जोड़ी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इसका असर बिहार से यात्रा करने वाले उन यात्रियों पर पड़ने वाला है जो कि दिल्ली मुंबई समेत अलग अलग जगहों पर जाती हैं। विक्रमशिला जैसे जो महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं उनको भी हर दिन की जगह अब सिर्फ 5 दिन किया जा रहा है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं विस्तार से। दिसंबर से लेकर के मार्च के बीच अगर आप ट्रेन से कहीं या जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मौसम का रंग बदलने से पहले ही रेलवे ने बड़ा कदम उठा लिया है। ठंड के दिनों में कोहरे का असर ट्रेनों की स्पीड पर पड़ता है, इससे अक्सर ट्रेनें लेट हो जाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने अलग अलग रूटों से होकर गुजरने वाली और खुलने वाली कुल 26 ट्रेनों को 1 दिसंबर से लेकर के 1 मार्च तक के लिए कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा भागलपुर से आनंद विहार के बीच चलने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस समेत 8 ट्रेनों के परिचालन के दिनों में कटौती कर दी गई है। मतलब जो ट्रेनें सप्ताहों में 7 दिन चला करती थी उसे ठंड के मौसम में 5 दिन ही चलाया जाएगा। जिन ट्रेनों को कैंसिल किया गया है उसमें झांसी कोलकाता एक्सप्रेस, कोलकाता झांसी एक्सप्रेस, अलीपुर द्वार दिल्ली एक्सप्रेस, दिल्ली अलीपुर द्वार, डिब्रूगढ़ लाल किला एक्सप्रेस, कामाख्या भगत की कोठी एक्सप्रेस, भगत की कोठी कामाख्या एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस, न्यू तिनसुकिया अमृतसर एक्सप्रेस, बनारस मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, नई दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस, अजमेर सियालदा एक्सप्रेस, कोलकाता नांगल डैम एक्सप्रेस, कोलकाता अमृतसर एक्सप्रेस, मालदा टाउन आनंद विहार एक्सप्रेस, ये ट्रेनें जो हैं रद्द कर दी गई हैं। इसके साथ साथ आगरा कैंट तक ही कुछ ट्रेनें चलेंगी, उनमें हावड़ा मथुरा एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है, जबकि 28 फरवरी तक 8 ट्रेनों के दिनों में कटौती की गई, जिसमें ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस, कामाख्या आनंद विहार एक्सप्रेस, भागलपुर आनंद विहार एक्सप्रेस, आनंद विहार से भागलपुर एक्सप्रेस और ऐसी ही ट्रेनें शामिल हैं। तो ऐसे में पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से बढ़ते ठंड को लेकर के और कोहरा अगर गिरता है मैदानी इलाकों में तो ट्रेनें लेट ना हो, लिहाजा शुरुआत से ही एहतियातन कदम उठाए गए हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। कुल 26 ट्रेनें ऐसी हैं जिनको रद्द कर दिया गया है, वहीं कुल 8 ट्रेनें ऐसी हैं जिनके दिनों में कटौती कर दी गई है, यानी कि अब 7 दिन की जगह ये ट्रेनें जो हैं वो सिर्फ हफ्ते के 5 दिन चला करेंगी। ये अधिकांश ट्रेनें बिहार से या तो खुलती हैं या फिर उनका अधिकतर मार्ग जो है बिहार होकर के ही गुजरता है। तो ऐसे में अगर आप इन ट्रेनों से टिकट करके यात्रा करने का विचार कर रहे हैं तो आप अभी से अपना प्लान बदल लें, क्योंकि 1 दिसंबर से लेकर के 1 मार्च तक ये ट्रेनें या तो कैंसिल होंगी या तो फिर कम फेरी लगाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।